गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक दैट इज मोडल्स। और मोडल्स में आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा अंडरस्टैंडिंग द यूजेज ऑफ विल इन आवर सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोडल्स होते क्या हैं। अब मोडल्स आर बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब। मोडल्स भी वर्ब्स का ही एक पार्ट है। और वर्ब हमें पता है होते हैं डूइंग वर्ड्स। वर्ब हम रेफर करते हैं डूइंग वर्ड्स को। और वर्ब का ही एक पार्ट है दैट इज मोडल्स। तो कहने की बात यह है कि मोडल्स जो हैं वो भी एक तरह के वर्ब्स ही हैं और इनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो मोडल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये यूज होते हैं बिफोर द मेन वर्ब। एंड हर मोडल का अपना एक यूज़ होता है, अपना ही एक मतलब होता है। मोडल्स हम यूज़ करते हैं किसी भी परमिशन को सीक करने के लिए, किसी भी चीज़ को रिक्वेस्ट करने के लिए, प्रोबेबिलिटीज़ बताने के लिए, ऑब्लिगेशंस बताने के लिए, या डिनोट करने के लिए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी। उन सारी चीज़ों के लिए हम मोडल्स का यूज़ करते हैं। कुछ मोडल्स हैं कैन, विल, शैल, मे, शुड, वुड, देन आई कैन से माइट। ये है कुछ एग्जाम्पल्स मोडल्स के। अब हम एक एक टाइप के मोडल एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मोडल है विल, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विल मोडल हमें पता है कि विल वर्ड कब यूज़ होता है। विल वर्ड यूज़ होता है आगे की प्रोबेबिलिटीज़ बताने के लिए, या अगर हम इंटरोगेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो रिक्वेस्ट के लिए होएगा। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विल के कितने ज़्यादा यूसेज हैं और हर फील्ड में विल का यूज़ कैसे चेंज हो जाता है, या ये बोल दें कि विल मोडल का मीनिंग हर एप्लीकेशन में कैसे चेंज होता है। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ विल। फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि जब भी विल फर्स्ट पर्सन में यूज होता है तो इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रॉमिस, इट कैन बी यूज्ड एज अ थ्रेट और अ वार्निंग। तो विल जब भी फर्स्ट पर्सन में यूज होगा तो या तो वो किसी भी चीज के प्रॉमिस के बारे में बताएगा, या किसी थ्रेट को इंडिकेट करेगा, या किसी भी वार्निंग को इंडिकेट करेगा। तो ये होते हैं यूसेज ऑफ विल। फॉर एग्जाम्पल, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। तो ये एक तरह का प्रॉमिस हो गया जहाँ पर हम विल यूज कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी बुक कल रिटर्न कर दूंगी या कर दूंगा। That is the kind of promise that I am giving to the person from whom I have borrowed the book. तो ये एक promise हो गया। या ऐसे होएगा, I will not spare you. I will not spare you मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। So this is again a kind of threat that I am giving to a person. तो will जो है first person में promise की तरह भी use हो सकता है और threat की तरह भी, लेकिन second या third person में वो हमेशा एक प्रॉमिस की तरह ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलती हूँ शीना विल पे यू टुमारो। तो ये एक तरह का प्रॉमिस है कि आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट शीना विल पे यू टुमारो। अगेन ये एक प्रॉमिस हो गया। यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन में प्रॉमिस की तरह विल यूज हो सकता है, थ्रेट की तरह या वार्निंग की तरह। ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। आइए हम कुछ और एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग विल। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन विल की। सेकेंड एप्लीकेशन है इंटेरोगेशन में जब हम यूज करते हैं विल को। तो विल जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, जब भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज होगा, तब वो होगा एक तरह की रिक्वेस्ट के लिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं बोलती हूँ विल यू लेंड मी
योर नोट्स. When I say will you lend me your notes, I am requesting that person कि मुझे अपने notes तुम दे सकती हो क्या, तो please दे दो. So that is again a kind of request that I am making to a person कि मुझे तुम्हारे notes चाहिए, क्या तुम मुझे दे दोगी. So will you lend me your notes, ये एक तरह की request हो गई. Second is will you please. Drop me home. When I say will you please drop me home, तो please आ गया तो automatically request है. लेकिन अगर please ना भी आया और मैं बोलूँ will you drop me home, ये भी एक तरह की request ही है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे या क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगी. तो ये दोनों examples जो हैं वो will के हैं. यहाँ पर will जब भी starting में use होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा sentence जो है वो interrogative form में है. Interrogative मतलब question के form में है. तो ये थी हमारी सेकेंड एप्लीकेशन. थर्ड एप्लीकेशन है विल प्लस नॉट एज इंटेरोगेशन. यहां पर था विल जब हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में ले रहे थे. विल प्लस नॉट मतलब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंटेरोगेशन. जब विल प्लस नॉट होता है तो अगेन आई एम ऑफिशियली inviting for something, it is an official invite. अगर आपको किसी को भी invite करना है तो हम will plus not के साथ भी invite कर सकते हैं. For example, won't you have a cup of tea? जब मैं बोलती हूँ won't you have a cup of tea, इसका मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि आप चाय पिए. I want you to have a cup of tea. इसका मतलब है I want you to have a cup of tea. तो अगर मैंने ये sentence ऐसे नहीं बोलना है और मुझे invite भी करना है और मुझे interrogative form में भी बोलना है तो इसको मैंने ऐसे convert कर दिया. Won't you have a cup of tea? Won't का मतलब होता है will plus not. So will plus not you have a cup of tea. Again यहाँ पर मैं इनवाइट कर रही हूँ कि आओ मेरे साथ चाय पियो. राइट, तो ये थे हमारे दो इंटरोगेटिव के फॉर्म. अब आइए हम कुछ और इंटरोगेशंस डिस्कस, सॉरी कुछ और विल की एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम विल को यूज़ कर सकते हैं और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम नहीं कर सकते. अब फोर्थ एप्लीकेशन हमारी है कि जब हम विल प्लस नॉट अफर्मेटिव सेंटेंस या विल प्लस नॉट अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं जहां पर इंटेरोगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है. तो जब भी हम सिंपल सेंटेंस में विल प्लस नॉट का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है दैट यू आर रिफ्यूजिंग टू समथिंग. यहां पर उसका मतलब होता है रिफ्यूजल. विल प्लस नॉट का मतलब होता है रिफ्यूजल, मना कर देना. इसके एग्जाम्पल है मीना will not permit you to commit such mistake. जब हम ये बात करते हैं that Meena will not permit you to commit such mistake, will plus not है कि Meena तुम्हें ऐसी मिस्टेक करने ही नहीं देगी, वो डिनाई कर देगी या वो रिफ्यूज कर देगी, अलाउ नहीं करेगी. सो दैट इज वन एग्जांपल कि हम सिंपल सेंटेंस में जब भी विल प्लस नॉट यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमने रिफ्यूज कर दिया कुछ भी करने से, डिनायल हो गई है, परमिशन नहीं ग्रांट हुई है. तो ये थी फोर्थ एप्लीकेशन. अब आइए हम कुछ और एप्लीकेशन आगे भी डिस्कस करेंगे. तो अब नेक्स्ट एप्लीकेशन विल की हो सकती है कि हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है या कमांड देनी है तब भी हम विल का यूज़ करेंगे. तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है फॉर इंस्ट्रक्शंस और इन ऑर्डर टू गिव सम कमांड हम विल का यूज़ करते हैं. और वो फर्स्ट हमारा हो सकता है एग्जांपल ऑल द स्टूडेंट्स will reach on time.
जब हम बोलते हैं ऑल द स्टूडेंट्स विल रीच ऑन टाइम, और अगर टीचर्स ये बोल रही हैं तो डेफिनेटली ये एक कमांड है या एक इंस्ट्रक्शन है दैट आई इंस्ट्रक्ट यू टू रीच ऑन टाइम, आई इंस्ट्रक्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू रीच ऑन टाइम. तो ये होगी एक तरह से इंस्ट्रक्शन, लेकिन इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ विल, जहाँ पर हम विल का यूज कर रहे हैं और इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कमांड दे रहे हैं. ये एक एग्जाम्पल हो गया. फिर नेक्स्ट है, अगर हमें एक जनरल हैबिट बतानी है किसी भी पर्सन की, तो जनरल हैबिट को डिनोट करने के लिए हम अगेन विल का यूज कर सकते हैं. तो ये भी एक तरह की एप्लीकेशन हो गई विल की. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम अगर हम बात करते हैं, द गर्ल्स विल टॉक, मतलब बहुत ही ऑब्वियस बात है कि जहां पर भी गर्ल्स का ग्रुप बन गया वहां पर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी क्वाइट, वो बातें करेंगी ही करेंगी, गॉसिप करेंगी ही करेंगी. सो द गर्ल्स विल टॉक, ये जनरल हैबिट बताई गई है गर्ल्स की या लेडीज की या विमेन की, कि जब भी वो मिलते हैं साथ में इकट्ठे होते हैं कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चुप रह सके. सो द गर्ल्स विल टॉक, दिस इज अ जनरल हैबिट. नेक्स्ट इज लाइक आई कैन से ही विल रिमेन मम, ही विल रिमेन मम मतलब दैट ही विल रिमेन क्वाइट, ये उसकी जनरल हैबिट है कि ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है. ही विल रिमेन क्वाइट मतलब अगेन डिनोट्स द हैबिट ऑफ अ पर्सन कि वो ऐसा ही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा. तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस ऑफ द मोडल विल. आज हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश दैट इज मोडल्स. मोडल्स वर्ब का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. डिफरेंट टाइप ऑफ मोडल्स होते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे. फॉर एग्जाम्पल, शैल, शुड, मे, वुड, विल, कैन, कुड, माइट, ये सारे हम मोडल्स डिस्कस किए थे. हर मोडल का एक अपना ही प्रोस्पेक्टिव होता है, अपना ही एक मीनिंग होता है, एंड हर टाइप के मोडल को उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं. आज की हमारी मेन डिस्कशन थी ऑफ द मोडल विल. हमने डिस्कस किया कि विल की कितनी एप्लीकेशंस है और ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम विल का यूज़ कर सकते हैं, और हर एप्लीकेशन के हमने साथ साथ में एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं उनको अपने सेंटेंसेस में, सो दैट वी कैन बी अवेयर अबाउट दिस टाइप ऑफ मोडल, एंड हमारे इस मोडल के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए. अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप जल्दी से रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं रिगार्डिंग एवरी टॉपिक. तो आप किसी भी एक टॉपिक को पिक कीजिए, उसके बारे में पढ़िए और फिर अपना सैम्पल पेपर अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको हम एक प्रॉपर रिपोर्ट एनालाइज करने के लिए दे सकें, जहाँ पर आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को देख सकते हैं और अपने वीक पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उनके ऊपर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके. बिकॉज दिस विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू गेन मोर मार्क्स एंड ऑल्सो यू कैन बिकम मास्टर ऑफ इंग्लिश इफ़ यू प्रैक्टिस. सो आई सजेस्ट यू टू कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.